वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पहले चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, मतदाताओं को मतदान करने में भी कोई दिक्कत न उठानी पड़े। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक कोई समीक्षा बैठक नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको शुभकामनाएं देने आया हूँ क्योंकि 15 तारीख को चुनाव है। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली होगी, कोई विशेष निर्देश हम देने को नहीं रहा। निर्देश सारे पूर्व में निर्गत किए जा चुके हैं। अगर कहीं कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो या पूरी हो गई हो तो वो आप लोग उसको अवगत करा देंगे। अब यही बहुत ही विषम परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है और ये कितना बेहतर दायित्व आप लोग मिला है, एक ही दिन में चुनाव करवाना पूरे जनपद का। ऐसी विषम परिस्थिति में भी बेहतर दायित्व आप लोग कितना बढ़िया से संचालन कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। फिर भी कहीं कोई कमी रह गई इतनी बड़ी व्यवस्था तो उसको आप लोग पुनः पुनः देख लेंगे और देख लें तो समय से समाधान कर लेंगे। कुछ जनपदों से अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी मतपत्रों की थी। ये जिस दिन आप लोगों का नामांकन समाप्त हुआ, विड्रॉल हो गया, उस बाद आप मतपत्रों की संख्या के बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। सभी जिलाधिकारियों को विशेष रूप से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए था क्योंकि चुनाव के दो दिन पहले अगर आप ये कहेंगे आपके यहाँ इतनी लाख की चोट कम या ये दिक्कतें हैं, चुनाव सामग्री से संबंधित जो भी समीक्षा वो करनी थी 12,107 लेटेस्ट आपको जिस दिन विस्तार हो गया आपने प्रतीक चिन्ह आवंटित कर लिया, उसके बाद आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये कई जनपदों में इस तरह की स्थिति रही है जिसमें विशेष ध्यान नहीं दिया। मुझे विश्वास है आप लोगों ने अभी से दुरुस्त कर लिया। तो दूसरा, मतदान केंद्रों से संबंधित शिकायतें आपके पास ही गई होंगी, हम लोग पास ही आई, मुझे विश्वास है आप लोगों ने उसका भी समुचित समाधान कर लिया होगा। अगर कहीं कोई विशेष परेशानी या दिक्कत हो आप लोग उससे अवगत कराने की कृपा करें। अभी जो सबसे अब आपके समक्ष समस्या सबसे बड़ी वो है बूथों पे आप रही अभी जो कोविड की समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए इससे कहीं आपका वोटिंग प्रभावित नहीं हो, कोई इन्फेक्टेड नहीं हो, ये सारी व्यवस्थाएं आपने सभी बूथ से की होंगी और अपने मेडिकल स्टाफ को भी आपने इसके लिए लगाया। कोविड प्रबंध के बारे में भी आप लोग थोड़ा अवगत कराना चाहेंगे, कितने बूथ आपके यहाँ और मतदान केंद्र कितने हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, इस संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग से जारी किए गए थे। मुझे विश्वास है आप लोगों ने उसका पालन किया। फेस मास्क इत्यादि खरीद लिए क्या? जिस तब से मारे लिखे दे रहे हैं आपको 30,000 चाहिए वो है कानून व्यवस्था की। आपका आपको तो मुझे आपको जिस कारण से कई तरह की कंफ्यूज होते हैं लोकल इश्यू होते हैं, साबुन दे रहे हैं, फेस मास्क दे रहे हैं, आपके
मतदान केंद्रों से संबंधित हो सकते हैं। मतदाता सूची से संबंधित ये सभी स्कूल आप लोगों के संज्ञान में होंगे और आप लोग इसका समाधान करेंगे और इस संबंध में पुलिस की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक भी होगी। डिस्पोजल कर दिया सर, 9 शिकायत अभी हाल ही में आई है सर, अब शाम तक डिस्पोज करके आपको भेज देंगे सर। बाकी मतपत्र का तो सफिशियंट है सर, और पेटी है सर 2.5 रेशियो के हिसाब से 12,107 पेटी सब हम लोग जगह पे भिजवा चुके हैं सर, पेटी को इशारा देखने के सर। आसपास जनमत से डिमांड भी आई थी सर, उन लोगों को भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्यूट मिनिमम फैसिलिटी के सर हर जगह विजिट हो चुकी है सर, छोटा मोटा मरम्मत हम लोग करवा चुके हैं। टोटल 4,657 बूथ हैं सर, सब में व्यवस्था होगी। अतिरिक्त थोड़ा छाया के लिए अतिरिक्त कोई जो व्हील चेयर इत्यादि भी लगा रहे हैं सर, एक दो जगह मॉडल बूथ भी बना लेंगे सर वोटर बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा सर वैसे आपको मार्गदर्शन के हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल का है सर, हम लोग सैनिटाइजर लिक्विड साबुन मास्क और ग्लव्स इत्यादि सब पर्याप्त मात्रा में सर मंगा करके पैकेट में ही तो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं सर। बाकी हम लोग के साथ लगे हुए जो फोर्स है उन लोग को भी हम लोग व्यवस्था करा लेंगे सर। बाकी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू और बाकी चीज़ सामान्य है सर, शांतिपूर्वक अच्छा चुनाव करेंगे सर। बाकी सर पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू में बताने के लिए मेरे कप्तान साहब को रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो 1855 सेंटर्स में सर जो सेंसिटिव है 186 सेंटर्स जो चिन्हित किया गया है उसमें लगभग हम लोग सर 45 बूथ्स हम लोग ने सेंटर्स फाइन निरीक्षण किया सर हाइपर सेंसिटिव में। बाकी सर वो संबंधित ब्लॉक्स में भी पूरा हम लोगों ने निरीक्षण किया सर, और सभी सेंटर्स एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर्स के और सीओ ऑफिसर्स रैंक ऑफिसर्स के द्वारा स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया सर। मैंने 30,000 के ऊपर पाबंद किया गया सर, 90% के ऊपर सर आर्म्स डिपोजिशन हो गया है, अब 1,000 के ऊपर सर 110G की कार्रवाई भी की गई सर। अब तक सर अराउंड 50,000 रेड कार्ड्स 149 CRPC के तहत हम लोगों ने सर ट्रबल क्रिएटर्स को चिन्हित करके दे दिए सर। 2010 और 2015 में सर लगभग 2010 में 10 अभियुक्त पंजीकृत था और 2015 में 37 अभियुक्त पंजीकृत था सर। सभी के खिलाफ सर चाहे वो चार्जशीट लगी हो चाहे FIR लगी हो सभी के खिलाफ 107-16 की कार्रवाई भी की गई है सर। कुछ लोग सर उनमें से कुछ लोगों को सर पुराने जो वारंट वगैरह निकले हुए थे उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया सर। हमारे यहाँ पर्याप्त फोर्स मिली है सर, 2 कंपनी CAPF की जो फोर्स भी मिली है सर, जो खासकर गोरखपुर साउथ में जो सेंसिटिव इलाकाओं में सर गश्त कर रहे हैं सर, जो चिन्हित हिस्ट्री शीटर एवं जो प्रभावी वहाँ प्रभावशाली जो प्रभाती कर सकते हैं सर उनके घर तक ले जा रहे हैं ताकि वो आइडेंटिफाइड रहें और उनके सर वो रेड कार्ड नोटिस उनके माध्यम से वो दिया जा रहा है सर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नॉर्मल है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, सकुशल संपन्न चुनाव कराएंगे सर।